गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। गाइस सुबह सुबह से ना ये दादी माँ फिर से आ गई थी। जैसे कि आपने मेरे ओल्ड व्लॉग में देखा होगा, तो ये उनका फीवर चेक कर रहे हैं, जो कि इन्होंने कल उनको दवा खिलाई थी। इन्होंने ना मुझे वीडियो शूट करने से मना करा था, पर फिर भी मैंने वीडियो शूट कर लिया, क्योंकि इन्हें दवा खिला रहे थे। ये बोल रहे थे कि मैं कोई सिंपैथी गेन नहीं करना चाहती, नहीं तो लोग गलत मतलब निकालेंगे। बट मैंने कहा नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हो और लोगों को भी पता चलना चाहिए ना। तो मैं पता आपको ऊपर बैल्कनी से ही वीडियो शूट कर रही हूँ। ये नीचे ग्राउंड के पास में ये दादी बैठी हुई थी, तो यहाँ पर उनको पानी पिला रहे हैं, मेडिसिन खिला रहे हैं, और हम लोग इनको एक टाइम पे ही दोनों टाइम का खाना बनाकर दे देते हैं। तो ये ले जाती हैं बॉक्स में पैक करके, बॉटल भी हमने उन्हीं को दे दी है। मैं दादी के लिए बना रही हूँ अदरक और तुलसी डालकर गर्मा गर्म चाय। ये देखिए उनके लिए चाय लेकर पहुँच गए नीचे ही, और एक कप उन्हें ही दे दिए कि आप इसमें पानी और मिल्क वगैरह जो भी लेना हो ले लो। ने बोला था हमारे पास में सॉक्स नहीं है, तो हमने ने एक जोड़ी सॉक्स भी लाकर दी थी गर्म वाले। सुबह सुबह से कुछ इस तरीके का ही हमारा रूटीन रहा था आज का। और चलिए अभी हम फाइनल ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग के साथ में शेयर कर दूं। आप लोग भी हो सके तो ऐसे लोग की हेल्प जरूर करिएगा। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? देखो मैं कैसे यहाँ पर ऐसे मैं बैठ गई हूँ और आप लोगों से बातें करने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों से करती हूँ थोड़ी सी बातें। तो जैसे कि आपको पता है कि मदर इन लॉ घर पर आ गई हैं और आज हम लोग जा रहे हैं मेले घूमने के लिए। तो अभी हो रहा है आफ्टरनून का टाइम, अभी 3 o'clock हो रहा है और हम लोग को लेट हो गया। हमें एक्चुअली 2 o'clock पे जाना था, बट ये लोग लंच करने के लिए आ गए थे, मतलब जो मेरे फादर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड है, वो भी आ गए थे। सो बस अभी हमने उनको लंच खिला पिला के आराम से भेज दिया है और अभी हम लोग जाने वाले हैं। तो चलिए आज आपको मतलब डे का मेला घुमा के रहते हैं, क्योंकि वैसे हम लोग मोस्टली जाते हैं तो नाइट के टाइम में जाते हैं। बट हमने सोचा कि चलो आज चलते हैं। वैसे इन लोग को कोई मेला वेला पसंद है नहीं जाना, मतलब कि जो मेरे हस्बैंड है उनको, ठीक है, क्या वहाँ पे क्या जाना क्या करना। बट होता है ना यार, हम लड़कियों को तो अच्छा लगता है बाहर घूमना, ऐसे चीज़ों पर जाना, तो उन्हें थोड़ा सा रश वाली जगह पर जाना अच्छा नहीं लगता है। बट हमने कहा हम तो जाएंगे, तो बस सासू माँ के साथ हम जा रहे हैं। तो चलिए आपको घुमा के लाते हैं मेले। आज अजीब सा बन बना लिया एक्चुअली, मेरे को ना हेयर्स ओपन नहीं करने थे तो ऐसे ही कितना अजीब सा लग रहा है, बट मैं ऐसे ही जाऊंगी आज बना के देख लेने की। चैलेंजिंग वीडियो हो जाएगा ये, देखो कितना अजीब सा ये बन भी नहीं, पता नहीं क्या है। चलो पहले आपको मैं मंदिर के दर्शन करा देती हूँ बाहर चल के। अरे मैं चेंज कर रही थी ना, तो मैं अपने रूम में थी अभी। चल ना, लाइट ऑफ होती है ना तो मुझे ये वाली लाइटिंग बहुत अच्छी लगती है मंदिर की। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं भगवान जी, और लाइटिंग के साथ में इनकी जो ड्रेस है वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही है। उनका टाइम हो रहा है, तो ये मंदिर की अभी जो बड़ी वाली लाइट है वो ऑफ है, तो अंदर की लाइट बस जल रही है। वैसे तो पर्दा डाल देते पर आज नहीं डाला है। तो गाइस अभी हम लोग शिल्प बाजार में हैं, ये ग्वालियर के मेले में लगता है, ये देख लीजिए आप। और ज्यादा रश लगा हुआ है, क्योंकि काफी दूर दूर से लोग भी यहाँ का मेले में आते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस है ये शिल्प बाजार ना, ये अलग
ग्राउंड में बनाया जाता है। बाकी मैं आपको दिखा दूँ झूला सेक्टर, वो दिख रहा है आपको सामने, ये काफी आगे। हाँ शंकी, देखो पपी दिखा रही है, देखो शंकी के बाप भी देखो बहुत क्यूट सा पपी है, यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है। भैया इसका क्या प्राइस है जो आप फोल्ड कर रहे हो? 350 का है। अच्छा जी, और वो ऊपर वाला? ओके, हाँ जी सिंपल में आएगा वो 350। अच्छा अच्छा, अभी हम लोग शिल्प बाजार से आ गए हैं मेन मेले के अंदर। शिल्प बाजार अलग है और ये मेला अलग है, ये देखिए आप। तो अभी हम लोग मेले के अंदर आ गए हैं, अभी हम लोग जाएंगे झूला सेक्टर में और जो शॉपिंग वगैरह जहाँ पे करना है, देखना है सामान, वो देखते हैं चल के। सामान काफी अच्छा अच्छा काफी दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। बहुत ही प्यारी प्यारी साड़ियाँ मिल रही है जो कि प्योर सिल्क की हैं, काफी खूबसूरत खूबसूरत है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बोलती है सारे बड़े वाले झूले में झूलते हैं भाभी, मैंने कहा नहीं यार सिर्फ नौ वाला झूल लेते हैं। पता है आपको, वो तो ना खड़ी हो गई थी एकदम लड़कों के जैसे ऊपर। ये नजारा देखो, यहाँ से पूरे ग्वालियर का मेला दिख रहा है। अभी हम लोग आए हैं ग्रोसरी देखने के लिए, ये देखिए। पर हम घर के लिए स्वीट कॉर्न्स वगैरह पैक करवा रहे हैं, कुछ खाते पीते हैं यहाँ पर चल के। ये ब्यूटीफुल पर्स है ना, बट मुझे ना ये ब्लैक वाला बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो काफी दिनों बाद मदर इन लॉ के साथ में निकलना हुआ है, काफी दिनों से हम लोग कहीं बाहर भी नहीं गए थे, तो हमने सोचा कि चलो मेले चलते। उस दिन नाइट में आए हुए थे तो मैं इनके साथ में आई थी और हमारे जो चंगू मंगू हुए दो लोग समीर भैया सुबू वगैरह, तो उनके साथ में आए हुए थे। सो एंजॉय करा हमने काफी ज्यादा। और चलिए ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कर देना। एक बैठे बैठे आपको मैं ग्वालियर का मेला घुमा रही हूँ यहाँ से। एक्चुअली मेरे पास ना कॉम्पैक्ट और काजल वगैरह ख़त्म हो गया था और कॉम्पैक्ट मैं देख रही हूँ यहाँ पे किस तरीके का है, तो हम लोग डायरेक्ट आ गए यहाँ पर लेने के लिए मार्केट में। हाँ चल रहा है सुंदरकांड का पार्ट। हम लोग घर पे आए, आपको बैकग्राउंड में मंदिर में मंडली की आवाज आ रही है। एक्चुअली आज हो रहा है सुंदरकांड का पार्ट क्योंकि आज है सैटरडे। और मेरे हेयर देखो कैसे हो गए यार, हम लोग मतलब गए तो एकदम अच्छे से तो आए एकदम भूत बन कर आ गए देखो। और फिर आप ऐसे जाते हो ना तो हो ही जाता है। उसके बाद में हम वहां से जैसे ही आए फिर मैं और शंकी हम लोग मार्केट में गए, मतलब मेले से होने के बाद में। एक्चुअली हमें कुछ सामान वगैरह लेना था, मेले के बाद में हम सामान लेने के लिए गए। मैं क्या बोल रही हूँ बार बार समझ में नहीं आ रहा, आई डोंट नो आवाज आ रही है आपको क्लियर कि नहीं आ रही है, तो बैकग्राउंड में इतना ज्यादा लाउड हो रहा है ना। आप लोग भी सुंदरकांड का पार्ट सुन लो आज है ना।
वहाँ से ना मसाले वाले स्वीट कॉर्न लेके आए, इसमें कम मसाला है, घर पे ही लगा एक्चुअली, उनसे बोल देता हूँ मसाला मत लगाना, इन्हें बहुत अच्छी लगती है इसलिए हम लोग लेके आए, थोड़ा सा लिया है एक्चुअली, हम लोग ने वहाँ पे काफी कुछ खा लिया था, ट्राइपॉड रखा है मेरे पीछे। मतलब देखो आपके सामने अब जाकर मैं बैठी हूँ, सो बस ऐसे ही हो गया। आए नहीं है मेरे फादर इन लॉ आ गए हैं, बट अभी मैं इनका वेट कर रही थी तो ये आए नहीं है, फिर बोल रहे थे कि हम आ जाएंगे थोड़ी देर में, पर पता नहीं क्यों नहीं आए, मेरे शूज रखे एक्चुअली देखो पीछे के साइड में, तो यार मैं मतलब हम लोग सुबह अभी कितने सुबह नहीं आफ्टरनून में गए थे, वही 3 o'clock पे गए थे, 4 o'clock पे गए थे, ऐसे ही गए थे हम लोग, अब होते होते पूरा दिन हो गया, कुछ भी लेना नहीं था ना कुछ करना था, बट फिर भी आप जाते हो ना तो बस ऑब्वियसली क्रॉकरीज वगैरह हम कुछ लेके आए, काफ़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी क्रॉकरीज थी, तो वो सारी चीज़ें लेके आए, उसके बाद में मार्केट चले गए, मार्केट में मुझे स्पेगेटी वगैरह लेनी थी, लेगिंग लेनी थी और दो चार चीज़ें और लेनी, कॉम्पैक्ट वगैरह, मेरा काजल ख़त्म हो गया था, तो बस वही सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ, मैं फिर से NYV का काजल लेके आई हूँ, NYV का नहीं ये दूसरा है, वो पता नहीं कहाँ गया, तो मैं वो काजल लेके आई हूँ और ये लिप बाम लेके आई हूँ, वाला लिप्पा मेरा खत्म हो गया था, तो बस यही सब कर रही थी मैं, अच्छा लगा वो दिन, हम लोगों ने घूमे काफ़ी सारी मस्ती करी और फिर हम लोगों ने वहाँ पे कुछ खाया पिया भी, आपको पता है मैंने ना बर्फ का गोला खा लिया वहाँ पे, मेरा गला ना अभी एकदम ऐसे हो रहा है कि मैं आपको कहता हूँ कितने सालों बाद, पता मैंने ना आई थिंक बचपन में खाया था, मुझे नहीं याद मैंने कब खाया था, मैंने बचपन में खाया था बर्फ का गोला, उसके बाद मैंने आज खाया, तो मेरे को ऐसे दिख गया तो मैंने खा ली, मतलब मैं कहती खाओ मत, मदर इन लॉ ना बोल रही थी तुम लोग मत खाओ बीमार हो जाओगे, बट मैंने खा लिया, क्योंकि नहीं खाया, वो कहती भाभी थोड़ा सा दिखाना, थोड़ा सा करा पर फिर नहीं खाया उसने, मैं नहीं खाया, फिर बाकी मैंने आधा छोड़ दिया क्योंकि ठंडक बाहर बहुत ज्यादा हो रही, मैंने कहा बीमार हो जाऊंगी ना अभी तो पता चलेगा, ये देखो कैसा हो रहा है यार बन बार बार बहुत ढीला है, पर जो भी कहो मजा आया पूरे दिन में, उन्होंने बहुत सारी मस्ती करी, सुबह से उठ के हम लोगों ने सारे काम निपटा लिए थे, क्योंकि जिस दिन हम लोग को जाना होता है ना, तो मैं और मेरी मदर इन लॉ है ना मेरी माँ, मैं बार बार मदर इन लॉ इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप लोग को पता नहीं है कि मेरी माँ है कि मदर, और अक्सर आप लोग कई बार मुझे सोचते हो कि मैं अनमैरिड हूँ, जो भी न्यू आते हो ना वो, क्योंकि पहले से जो है वो तो मुझे जानते कि आई एम मैरिड ओके, और जो नहीं जानते वो सोच सकते हो तो देखो मैंने कितना सारा सिंदूर लगाया हुआ है, दिख ही रहा होगा ना आप लोग को, तो अभी आपको कोई डाउट नहीं हुआ कि आई एम मैरिड और नॉट, बाकी लोग ना आप मेरे पुराने जाके व्लॉग्स देख सकती हो, मैंने उसमें आप काफी सारी चीजें क्लियर करी, आपको कभी कभी कंफ्यूजन होता है मैं कहाँ से हूँ, क्या मेरा नेम, क्या फुल नेम, क्या ना, ऑल सारी चीजें होती है ना, तो आपको पुराने वाले व्लॉग्स में सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है मेरी वहाँ पे, ठीक है, तो आप एक बार चेकआउट जरूर करना, करवा चाहते जो व्लॉग्स है मेरे, सुपर हिट जाते हैं, बहुत अच्छे व्लॉग्स होते हैं, आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद भी आते हैं, तो अभी मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ करवा चौथ के व्लॉग्स जरूर देखना, ना मेरे एकदम ठंडे ठंडे हो गए हैं, एकदम ठंडे ठंडे हाथों के, मेरे को नेल प्रिंट भी लगानी है, देखो मेरी नेल प्रिंट कैसे लग रहे ना, नेल्स कितने गंदे गंदे, अभी हम जा रहे हैं डिनर प्रिपेयर करने के लिए, तो जल्दी से हम डिनर प्रिपेयर करते हैं, चेंज करते हैं, आधा घंटा में हमारा डिनर प्रिपेयर हो जाने वाला है आराम से, ठीक है, उसके बाद में हम फिर आराम से और रेस्ट करेंगे, जो भी काम करना है, मुझे अभी एडिटिंग भी करनी है, मुझे बहुत सारे काम है अभी, सच बता रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत, बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, पर व्लॉग करना था, इस वजह से मैंने कैमरा उठा लिया, थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ मैं आप लोगों से, और जो आवाज है ना उसका मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो चलो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी बात, वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिए।